हॉट एंड कोल्ड। हॉट का मतलब होता है गरम और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, उनमें जो चीज हॉट है उन्हें सर्कल करना है। इज दिस अ हॉट थिंग? यस, दिस इज अ हॉट सूप, देन वी कैन सर्कल हीट। इज दिस अ हॉट थिंग? नो, दिस इज एन आइसक्रीम। दिस इज अ हॉट थिंग? यस, दिस इज अ हॉट टी, हॉट कप ऑफ टी, देन वी कैन सर्कल इट। इज दिस अ हॉट थिंग? यस, दिस इज फायर, सो इट इज हॉट, वी कैन सर्कल इट। इज दिस अ हॉट मैन? नो, दिस इज अ स्नो मैन। इज दिस अ हॉट थिंग? नो, दीज आर आइस क्यूब्स। सो सूप, कप ऑफ टी एंड फायर, दीज आर हॉट थिंग्स, दैट इज वाई वी हैव सर्कल देम। हमने यहाँ पर क्या किया है, सर्कल ओनली द हॉट थिंग्स, जो चीजें गर्म होती हैं उन्हें सर्कल किया है। ये सूप है और वो गर्म है इसलिए उन्हें सर्कल किया है। ये टी है वो गर्म है इसलिए उन्हें सर्कल किया है। ये ज्वाला है मतलब अग्नि है और वो गर्म होती है इसलिए हमने उसको सर्कल किया है। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट फास्ट एंड स्लो। इन इट सेड पुट अ क्रॉस फॉर द थिंग दैट मूव स्लोली। यहां पर दो व्हीकल दिए गए हैं या दो चीजें दी गई हैं, उनमें दोनों में से कौन सी चीज या कौन सा व्हीकल या कौन सा एनिमल फास्ट है और कौन सा एनिमल स्लो है, उसमें जो स्लो है उन्हें क्रॉस करना है। देख लीजिए, इन इज सेट पुट अक्रॉस फॉर द थिंग दैट मूव स्लो, मतलब जो स्लो मूव करता है उन्हें क्रॉस करना है। दिस इज अ साइकिल, दिस इज एन एरोप्लेन। सो व्हाट इज स्लो हियर? साइकिल इज स्लो हियर, देन वी कैन क्रॉस हियर, वी कैन टेक हियर। दिस इज अ रैबिट, दिस इज अ टॉर्टाइज, देन व्हाट मूव स्लो? टॉर्टाइज मूव स्लो, देन वी कैन क्रॉस इट, वी कैन टेक हियर। दिस इज अ स्मॉल बोट, दिस इज अ मेट्रो ट्रेन, देन वॉट मूव स्लो? बोट मूव स्लो, देन वी कैन क्रॉस इट, इट मूव्स फास्ट। हमने यहां पर देखा है कि कौन सी चीज तेजी से दौड़ती है और कौन सी चीज धीरे से चलती है। यहां पर साइकिल है और एरोप्लेन है, तो साइकिल धीरे से चलती है इसलिए हमने उसको क्रॉस किया है और एरोप्लेन को टिक किया है। यहाँ पे खरगोश है और टॉर्टाइज है, तो उनमें दोनों में जो है, दोनों में टॉर्टाइज जो है ये स्लो चलता है, कछुआ बोलते हैं उसको हिंदी में, और ये जो है बोट है और ये मेट्रो ट्रेन है। तो बोट जो है वो धीरे से चलती है, मेट्रो ट्रेन फास्ट चलती है। तो इस प्रकार से हमने हॉट और कोल्ड और फास्ट एंड स्लो के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक यू वेरी मच।